वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑडिट, चैप्टर 9, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम जनरली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंसिडर करते हैं, साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, राइट। तो उसके आइटम्स है उनका हम किस तरह से ऑडिट करेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजीली समझ में आ जाएगा, समझने के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ सकते हैं किस तरह से ऑडिट हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम का, राइट। तो उसे ही हमें कंसिडर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही है, बट हम 8 टू 12 की रेंज कंसिडर कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कई बार हो जाता है, 10 टू 15 मार्क्स तक चला जाता है, राइट। 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो जनरली क्वेश्चन 3 होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, तो उसमें तीन सब क्वेश्चन जनरली चैप्टर 9 के होते हैं, कई बार वो चेंज हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स में चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 3 में पूछा जाता है, 4-3-3, मतलब उसी तरह से वो 4-3-3 करके 10 मार्क्स का तो उसी में से पूछ लेते हैं, चैप्टर 9 के तीन एक साथ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इवन करेक्ट इनकरेक्ट में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और एमसीक्यू में तो पूछते ही होंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स लाइक सेल्स, परचेस, बैलेंस शीट की आइटम है तो असेट्स, लायबिलिटीज, उन सभी का किस तरह से हम ऑडिट करेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको स्किप नहीं करना चाहिए, इजी है, इजीली मार्क्स आप कवर अप कर सकते हैं, राइट। ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर 9 का, इसमें हम कवर अप करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटम्स है, सेल्स, परचेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स, उसको किस तरह से हमें ऑडिट करना चाहिए, और कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है, राइट, वो हम इस चैप्टर के आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशन रहेंगे तो उसमें असेट्स लायबिलिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है एसर्शंस आने चाहिए, जो हमने चैप्टर 3 के पार्ट 1 जो SF500 के साथ डिस्कस किया था उसमें ये सारी चीजें कवर अप की थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा आएगा तो मैं यहाँ पर फटाफट हम देख लेंगे, क्योंकि assertions के बेसिस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो assertions अच्छे से आने चाहिए। चलिए ये इंट्रोडक्शन है वो स्किप कर सकते हैं, assertions से वहां से हम डेफिनेशन से पढ़ेंगे। इट रिफर्स टू द रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट explicit or otherwise that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur. Assertions है वो representations by the management है, management ने financial statements के अंदर कुछ represents दिए, representations किए हैं, वो explicitly भी हो सकते हैं या फिर implicit, implied भी हो सकते हैं, right? कुछ चीज अगर वहां पर नहीं दिखाई है, अगर property plant equipment में कोई भी building नहीं दिखाया, that means it is implied के उनके पास कोई भी building नहीं है, right? कोई भी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई भी बिल्डिंग नहीं है ऐसा हम मान सकते हैं, राइट। कुछ चीजें स्पेसिफिकली डिस्क्लोज की होगी, लाइक कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है ऐसा डिस्क्लोज किया होगा, तो वहां पर हमें मानना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, बट क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं दिखाई, क्या उसका मतलब नहीं है, उसका मतलब ये सही है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, या ऐसा नहीं है ना कि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड या एरर किया है, राइट। तो वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा, राइट। बिल्डिंग नहीं दिखाया तो क्या कोई ऐसी चीज नहीं है ना, कोई ऐसी हमें हिंट नहीं मिल रही है ना जहां से पता चले कि ये बिल्डिंग है बट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो सारी चीजें इसमें कवर अप होगी, राइट। तो वो जो रिप्रेजेंटेशंस है मैनेजमेंट ने किए हैं वो ऑडिटर चेक करेगा, वो उसे एज ए यूज करेगा कि कहां कहां पर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, उसे ही assertions कहेंगे, राइट। वेरियस assertions होंगे, उसे जनरली डिवाइड किया है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स में, देन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पर दो मेजर जो बाइफर्केशन है वो उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी आइटम्स रहेगी, इनकम एक्सपेंडिचर की आइटम्स है उनके assertions रहेंगे, और दूसरे बैलेंस शीट के आइटम जो है assets, liabilities, उनके किस तरह से assertions होंगे वो डिस्क्लोज यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। हम आज के सेशन में इनकम स्टेटमेंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उनके जो assertions है वो समझ लेते हैं, एंड फिर हम लोग मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स का किस तरह से ऑडिट करेंगे उसके ऊपर। चलिए, इनकम स्टेटमेंट कैप्शंस कंप्राइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बैलेंसेस, अकरेंस assertion होगा, अकर जो भी हुआ है ट्रांजेक्शन, एक्सप्लेनेशन ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव अकर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो एंटिटी के नाम पर ही होना चाहिए और एक्चुअल में अकर होना चाहिए, तभी उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके एग्जांपल्स दी है फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड सेल्स,
employee benefit expense has been incurred during the period in respect of the personnel employed by the entity. Employee benefit expense does not include the cost of any unauthorized personnel. जो भी employee benefit expense हमने जो भी period का audit कर रहे हैं उसमें किया है वो actual में personnel के respect में ही होना चाहिए और actually में ऐसा expense ऐसा cost incur हुआ होना चाहिए. Recorded sales represent goods which were ordered by valid customers and were dispatched and invoiced in the period. जो भी हमने सेल्स रिकॉर्ड किया है वो वैलिड कस्टमर्स जेन्युइन कस्टमर्स ने ऑर्डर किए होने चाहिए और एक्चुअली हमने डिस्पैच भी किए होने चाहिए और इनवॉइस हुआ होना चाहिए तभी हम एज अ सेल्स दिखा सकते हैं. कंप्लीटनेस ऑल ट्रांजैक्शंस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ट्रांजैक्शंस हैव नॉट बीन ओमिटेड. जो भी ट्रांजैक्शंस है जो रिकॉर्ड होने चाहिए वो सारे ही रिकॉर्ड हुए होने चाहिए, कुछ भी ओमिट नहीं होना चाहिए. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल हैव बीन फुल्ली अकाउंटेड फॉर. सारे ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. ऑल द जेन्युइन सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, राइट? सिंपल. कट ऑफ, वेदर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड. कट ऑफ इज अ सेपरेट असर्शन बिकॉज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू वेरीफाई इट आर टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम दोस अप्लाइड टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीटनेस. कट ऑफ मतलब कि जिस पीरियड में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए. इसमें सिर्फ फॉर्मेशन की बात नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इस साल का ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड कर दिया है, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए. जिस पीरियड का ट्रांजैक्शन है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए. इसे कंप्लीटनेस से अलग डिस्कस किया जाएगा क्योंकि इसकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर थोड़ी सी अलग रहेगी. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, राइट? एक्सपेंस वो इस साल के होने चाहिए. सेल्स शैल इंक्लूड ऑल डिस्पैच ऑफ गुड्स मेड एट द ईयर एंड एज दे बिलोंग टू द रिलेवेंट पीरियड. ईयर एंड पर भी जो भी डिस्पैच हुआ है वो इसी ईयर में एज अ सेल बुक होने चाहिए क्योंकि वो इस साल का डिस्पैच है, इस साल का सेल एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए. मेजरमेंट ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एट देयर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. There have been no errors while preparing documents or in posting transactions to ledger. The figures and explanation are not misstated. जो भी अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए वो सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है. वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है, मेजरमेंट है वो बराबर होना चाहिए, राइट? हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था तब ये मेजरमेंट की जगह पर एक्यूरेसी वर्ड था, राइट? तो वही चीज यहाँ पर भी है. तो ट्रांजेक्शन्स में जो भी डिटेल्स नेसेसरी है वो सारी डिटेल्स है वो मिसस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए. Employee benefit expense has been measured or calculated accurately. Calculation बराबर होना चाहिए. Any adjustments such as tax deduction at source, TDS have been correctly reconciled and accounted for. TDS वगैरह कुछ भी है तो उसका reconciliation बराबर होना चाहिए, वो match होने चाहिए. Sales are recorded correctly in the books based on the invoices. Discounts have been properly adjusted or accounted. जो भी सेल्स वगैरह है वो बराबर करेक्टली बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, अमाउंट इनवॉइस के हिसाब से ही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. डिस्काउंट्स वगैरह तो भी वो एडजस्ट बराबर से होने चाहिए, सिंपल. एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. अब जो डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन के असर्शंस चैप्टर 3 में हमने अलग से पढ़े थे, बट यहाँ पर जो इनकम स्टेटमेंट में जो चीज होगी उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर भी नेसेसरी होगा, तो वो भी साथ में बराबर हुआ है कि नहीं वो हमें देखना रहेगा, तो उसके भी असर्शन ही कंसिडर कर लिया है. Transaction have been classified and presented fairly in the financial statements. Transaction and events are appropriately segregated or disaggregated. जो भी transaction हुआ है वो fairly present किया है financial statement में, और जो भी transaction events हुआ है उसका segregation करना है, अलग अलग करना है, तो अलग अलग जिस तरह भी disaggregation segregation करना है वो बराबर हुआ है, उस तरह से हुआ है, यानी जिस तरह से होना चाहिए वो देखना रहेगा. Presentation and disclosure assertion are considered during the course of audit to determine that disclosures are complete and accurate. जितने भी नेसेसरी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए. द डिस्क्लोजर दैट आर मोस्ट ससेप्टेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर दोज दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट. जिस डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन में जजमेंट की नेसेसिटी है, क्वालिटेटिव असेसमेंट होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस है, वो सबसे ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो उसे हमें खास ध्यान से देखना रहेगा. एस्टिमेट्स वगैरह जहां पर आते हैं वो खास ध्यान में ध्यान से चेक करना होगा. ऑडिट टीम्स असेस द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स बाय डिटरमाइनिंग दैट द डिस्क्लोजर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर दैट डज नॉट मटेरियली ओमिट, डिस्टॉर्ट और मिसलीड द यूजर. ऑडिट टीम को खास ध्यान रखना है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए, राइट, उसमें कुछ भी ओमिशन ना हो और डिस्टॉर्ट ना हो, मिसलीड करनी नहीं चाहिए, वो यूजर को जिस तरह से जो एक्चुअल में जो सही है वही चीज दिखानी चाहिए. The description and disclosure of transaction are relevant and easy to understand.
जो भी डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन हो राइट वो रिलेवेंट होने चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए राइट ये रिक्वायरमेंट है. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज बीन फेयरली एलोकेटेड बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ पर्सनल रिलेटिंग टू एनी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स अदर देन इन्वेंटरी. तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो अदर एक्सपेंस का पार्ट होगा, और ये जो कॉस्ट ऑफ पर्सनल रिलेटिंग टू सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स है राइट तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए, वो एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हम नहीं दे पा सकते. Revenue shall be disclosed separately as revenue arising from sale of product, services and other operating revenues. इस तरह से ये disclosure bifurcation होगा, right? Simple. तो इस तरह से disclosure हो सकते हैं. इसके बाद balance sheet के assertions दिए हैं, but वो हम next session में cover up करेंगे, जहाँ पर हम ये सारे balance sheet के items के बारे में discuss करने वाले हैं, वहाँ पर, right? चलिए उसके बाद बहुत सारी बैलेंस शीट की आइटम्स दे रखी है तो वो हमें अभी डिस्कस नहीं करनी है, हम सीधा ही इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटम्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सेल्स परचेस अदर एक्सपेंस अदर इनकम और उनके साथ कुछ डिस्क्लोजर और एक्सरसाइजेस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जो चैप्टर का पार्ट नहीं है बट एक्सरसाइज में है और उसमें से भी पूछा हुआ है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जो पीएनएल या फिर इनकम स्टेटमेंट से जुड़ी हुई है राइट. तो चलिए आप आ जाइए पेज नंबर 9.80 पर आ जाइए, जहां पर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैप्शंस, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. चलिए उसमें है सबसे पहले सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सेल्स एंड कलेक्शन साइकिल इन अ बिजनेस रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट बिगिन व्हेन अ कस्टमर परचेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड एंड्स व्हेन एंटिटी रिसीव्स कंप्लीट पेमेंट अगेंस्ट द सेल. जब कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज देते हैं और उनके सामने पेमेंट मिलता है तब पूरी सेल्स की साइकिल है वो कंप्लीट होती है. सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच विल हैव अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा. एज पर एसए 315 द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ रेवेन्यू आइटम्स इज जनरली हाई. रेवेन्यू आइटम्स है उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है एसए 315 के हिसाब से राइट. उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जनरली हाई होता है. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं तो ये स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा. एज पार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑडिट एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर टेस्ट सेल्स ट्रांजैक्शन एंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर दोस ट्रांजैक्शन टू एंश्योर दैट द एंटिटी इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटिंग रेवेन्यू और अकाउंट्स रिसीवेबल. हम उसे टेस्ट चेक बेसिस पर देखेंगे और इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे ताकि पता चले कि जो सेल्स का रेवेन्यू हो और जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उसमें कुछ भी मिसस्टेटमेंट नहीं है. ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रेवेन्यू सेंटर्स. हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू किस तरह से है और उनके रेवेन्यू सेंटर्स कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंटिटी प्रोवाइड्स डिमांड्स फॉर द सर्विस और प्रोडक्ट्स मेजर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लाइन डिस्कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मेजर कस्टमर सेल्स टीम एटसेट्रा. सेल्स टर्म एटसेट्रा वो सारी चीजें देखनी रहेगी. उसकी पहले प्रोसेस समझाइए कि सेल्स की प्रोसेस किस तरह से होगी वो हमें पहले समझना रहेगा. फिर हम इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स है वो समझेंगे. फिर इंटरनल कंट्रोल्स का टेस्ट करेंगे. उसके बेसिस पर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितनी करनी है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट वगैरह डिसाइड करेंगे और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे. उसमें वाउचिंग ऑफ सेल्स इनवॉइसेस हो सकता है, सेल्स ऑर्डर्स है, फिर डिस्पैच के रजिस्टर वगैरह है, चलांस वगैरह है, जीएसटी रिटर्न्स है, वो सारी चीजें देखेंगे. एनालिटिकल प्रोसीजर भी करेंगे राइट. और हमारा वो जो सेल्स के ऊपर हमारा जो सेटिस्फेक्शन हमें जो assertions चेक करने हैं वो सारी हम चेक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे राइट. एन ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस. सेल्स प्रोसेस के लिए जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो सारे ही समझने रहेंगे. कौन सेल्स ऑर्डर बना सकता है, कौन उनके लिए अप्रूव करता है, कौन सेल्स इनवॉइस बनाता है, कौन डिस्पैच करता है, किस तरह से वो रिकॉर्ड होता है, वो सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती है. यहाँ पर एग्जाम्पल है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा. इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है चैप्टर 4 के साथ. होप आपको वो समझ में आ गया होगा तो ये इजिली आपको समझ में आ जाएगा. ये चैप्टर ऐसा है कि आपने अगर पूरा ही जो 8 चैप्टर आगे के हैं वो सारे ही अगर अच्छे से समझे हैं राइट तो आपको ये ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. बाकी आप सिर्फ रट सकते हैं. तो एडवाइस कि अगर आपने वो 8 चैप्टर आगे के जो मॉड्यूल 1 है वो अगर अच्छे से नहीं देखिए तो ये मत देखिएगा, पहले वही देखिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए राइट. An auditor tests the controls the entity has set up for the sales cycle to determine how strong and reliable they are. If
they are strong and operating effectively, the auditor can reduce the extent of substantive testing. Any deficiencies in internal control shall be communicated as per SA 265. राइट ऑडिटर को चेक करना है कि कंट्रोल्स किस तरह से सेल साइकिल जिस तरह से होनी चाहिए उसी तरह से चल रही है या नहीं, बराबर है या नहीं, उनके जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं वो डिसाइड करना रहेगा। और अगर उसमें कुछ भी डेफिशिएंसीज है तो मैनेजमेंट या TCWG को डिस्कस करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना रहेगा एज पर एस 265। ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। द ऑडिटर सिलेक्ट्स रैंडम सैंपल्स ट्रांजेक्शन एंड एग्जामाइन द रिलेटेड कस्टमर परचेस ऑर्डर्स इनवॉइस एंड कस्टमर स्टेटमेंट्स टू एंश्योर दैट द कंट्रोल बीइंग टेस्टेड इज अ नंबर्ड सेल्स इनवॉइस। हमें पहले देखना है कि कस्टमर के पास से जो ऑर्डर मिला है उनका स्टेटमेंट इनवॉइस वो सारी चीजें हम देखेंगे ताकि हमें सेल्स के बारे में टेस्ट चेक बेसिस पर करेंगे तो पता चलेगा कि सेल्स जो है वो बराबर हुआ है, रिकॉर्ड बराबर हुआ है, कर हुआ है, वो सारी चीजें हमें पता चलेंगी। राइट और इवन कंट्रोल्स भी चेक करने की सेल्स इनवॉइसेस है वो तो सीरियली नंबर्ड है या नहीं, अगर उसमें कुछ भी मिसिंग है तो कहां गया वो डॉक्यूमेंट वो हमें पूछना रहेगा। दिस विल एनेबल द ऑडिटर टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। राइट ठीक है। परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज अ मस्ट। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस, एनी एनालिसिस द ऑडिटर मे फाइंड रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बिल्डिंग अ सेल्स एक्सपेक्टेशन एंड कंपेयरिंग दैट विद द क्लाइंट्स सेल्स रिकॉर्ड। हम सेल्स के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ चेक कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं और दूसरे टाइप के भी एनालिटिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं जो ऑडिटर को लगे कि हाँ ये जरूरी है। ऑडिटर विल नीड टू नो द सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द ईयर, मंथली एवरेज सेल्स प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विस, डिस्काउंट पॉलिसी एक्सेट्रा। उनको सेल्स जो भी प्रोडक्ट वगैरह उनकी एवरेज सेल प्राइस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट्स बेचते हैं, डिस्काउंट पॉलिसी क्या है, वो सब कुछ पता होना चाहिए तभी वो सारी चीजें बराबर कर पाएगा। हमें सेल्स रेवेन्यू के लिए एक्सपेक्टेशन भी सेट कर सकते हैं कि रीजनेबलनेस टेस्ट करेंगे कि कितना सेल्स होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स कितनी है, गुड्स के बारे में उनकी गुड्स की कितनी मूवमेंट हुई है, इश्यूज कितने हुए, डिस्पैच कितने हुए, उन हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कितना सेल्स होना चाहिए, उतना ही रिकॉर्ड किया है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। राइट ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको assertion wise क्या क्या हमें ऑडिट प्रोसीजर करनी रहेगी वो समझाया हुआ है। राइट चलिए ऑडिट प्रोसीजर समझते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और ऑडिट प्रोसीजर। रिकॉर्डेड सेल्स और रिकॉर्डेड सेल्स रिप्रेजेंट गुड्स शिप्ड और सर्विसेज परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज अकरेंस। यहाँ पर हमें देख रहे मतलब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कि रिकॉर्डेड सेल्स जो भी है, सेल्स जो भी हमने रिकॉर्ड किया है गुड्स या फिर सर्विसेज का, वो एक्चुअल में गुड्स है वो डिस्पैच हुए होने चाहिए या फिर सर्विसेज है वो रेंडर होनी चाहिए, उसी को रिकॉर्ड किया होना चाहिए दैट इज अकरेंस। तो ये जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा सभी आइटम्स के लिए, इसी तरह से दिया हुआ है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड देन ऑडिट प्रोसीजर। राइट तो जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो आपके लिए क्वेश्चन है और ये ऑडिट प्रोसीजर है वो आपका आंसर है। तो यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद करके ही जाइएगा क्योंकि यही आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको यहाँ पर अकरेंस नहीं दिया हुआ होगा, आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ होगा इन द क्वेश्चन पेपर, आपको ये फिर आंसर लिखना होगा। राइट तो उस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए एंश्योर रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। हमें ये देखना है कि जो रेवेन्यू है सेल्स है वो ओवरस्टेटेड नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करनी होगी वो दिया हुआ है, ये भी इटसेल्फ क्वेश्चन बन सकता है। चेक वेदर सिंगल सेल्स इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस और कैंसल्ड सेल्स इनवॉइस कुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। ऐसा देखना है कि एक ही जो बिल है वो दो बार नहीं रिकॉर्ड हुआ है ना, या फिर कैंसल्ड इनवॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो चेक करना है। टेस्ट चेक फ्यू इनवॉइसेस विद देयर रिलेवेंट एंट्रीज इन सेल्स जर्नल। थोड़े से इनवॉइस हम टेस्ट चेक बेसिस पर देखेंगे उसकी इनवॉइस एंट्री जो जर्नल एंट्री है उनके साथ। Obtain confirmation from few customers to ensure genuineness of sales transaction. हमें कुछ confirmations लेने होंगे from the customers जो है ताकि पता चले कि हाँ ये जो sales के transaction हो रहे हैं वो genuine है, कोई fictitious customer को नहीं बेच रहे हैं। Whether any fictitious customer and sales have been recorded, देखना है कि कोई fictitious customer है या नहीं, उनको कोई sell नहीं किया है ना। Whether any shipment were done without the consent and agreement of the customer, especially at the year end to inflate the sales figure. ये देखना है कि जो shipment के बिना कोई भी invoice record नहीं हो चुका है ना, just year end पर उनको target achieve करने थे, उसलिए उन्होंने sales बढ़ा दिया, ऐसी कुछ चीज नहीं है ना, वो हमें देखना रहेगा, inflate नहीं किया है ना। Whether unearned revenue recorded as earned, जो revenue actual में अभी तक earn नहीं किया है, उसे as earned revenue नहीं disclose किया ना, वो देखना रहेगा।
whether any substantial uncertainty exists about collectability, ऐसा लग रहा है कि कस्टमर के पास से अभी पैसे नहीं मिलेंगे तो उसे हमें रिवर्स करना होगा, उसे हम एज रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे या फिर उसे एज ए लॉस बुक कर देंगे, प्रोविजन कर देंगे उसके लिए. वेदर कस्टमर ऑब्लिगेशन आर कंटिजेंट और अदर एक्शंस फाइनेंसिंग रीसेल एटसेट्रा. उनकी जो कस्टमर जो भी पे करेंगे वो क्या कंटिजेंट है, कुछ वो कोई और किसी और पर्सन को रीसेल कर दे या फिर उनको फाइनेंस मिलेगा तो ही वो आपको पैसे देंगे, ऐसी कोई चीज है तो उसके लिए प्रोविजन या फिर हमें लॉस बुक करना रहेगा, तो वो हमें चीज ध्यान में रखनी है. तो ओवर स्टेटमेंट नहीं है उसके लिए क्या देखेंगे कि कोई भी इनवॉइस है वो ट्वाइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कोई कैंसल इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो देखना है. थोड़े से एंट्रीज हम सेल्स जर्नल एंट्रीज देखेंगे इनवॉइसिस के साथ, फिर हम फ्यू कस्टमर्स के पास कंफर्मेशन लेंगे, ये देखेंगे कि 50 से कस्टमर को नहीं बेच रहे हैं ना, ताकि कुछ भी गलत हुआ तो पता चले. फिर विदाउट कंसेंट या फिर जो शिपमेंट के बिना इनवॉइसेस रिकॉर्ड हुए या फिर इन्फ्लेट किया हुआ नहीं है ना सेल, वो देखेंगे. फिर अन रेवेन्यू को अन रेवेन्यू के हिसाब से रिकॉर्ड किया हो या फिर हमें सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी लग रही है कि उनके पास से कलेक्शन नहीं मिलेगा या फिर कोई कंटिजेंसी के बेसिस पर उनकी ऑब्लिगेशन है तो उसे भी हमें देखना रहेगा. राइट, ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से याद रखिएगा. उसके अलावा अकरेंस के लिए क्या पॉइंट देखने हैं हमें, रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइस, ये देखना है कि सेल्स के इनवॉइस की सीक्वेंस बराबर है, क्योंकि सेल्स इनवॉइस तो 1, 2, 3, 4 उनकी सीक्वेंस में ही सेल्स इनवॉइस जनरेट होंगे, वो रैंडम नहीं हो सकते, इसलिए वो ध्यान में रखना होगा. रिव्यू जर्नल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, कुछ अलग ही बहुत बड़ी अमाउंट का सेल्स या कोई अलग पार्टी को कुछ अलग सेल कर रहे हैं तो वो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के सेल्स बिल और उसकी एंट्रीज हमें चेक करनी चाहिए. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न टू सेल्स एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर एंड इंक्वायर फॉर द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज. हमें इस साल का देखना है कि सेल्स रिटर्न टू सेल्स कितना है. राइट, इस साल सेल्स में से कितना सेल्स रिटर्न हुआ है और उसे प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपेयर करेंगे, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज अगर ज्यादा होगा सब्सटेंशियल होंगे तो हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कुछ गलत नहीं है ना, वो देखेंगे. चेक द सेल्स रिटर्न विद सेल्स इनवॉइस चलान क्रेडिट नोट स्टॉक रजिस्टर एक्सेट्रा. जो भी सेल्स रिटर्न हुआ है उसे वेरियस डॉक्यूमेंट्स के साथ हम चेक करेंगे, राइट, ताकि पता चले कि उसमें भी कुछ गलत नहीं है. राइट, सिंपल, सेल्स इनवॉइस के सिक्वेंशियल है या नहीं वो चेक करेंगे, देन अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस की एंट्रीज चेक करेंगे, जो भी सेल्स रिटर्न है उनको सेल्स के साथ मतलब रेशियो फाइंड आउट करेंगे और कंपेयर करेंगे विद प्रीवियस ईयर, और सेल्स रिटर्न के लिए भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स हम चेक करेंगे. देन ये था हमारा पहला अकरेंस. देन ऑल सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर रिकॉर्डेड एंड देर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट. कोई भी जो सेल्स हुआ है वो अंडरस्टेटमेंट या फिर ओवरस्टेटेड नहीं है, कंप्लीटनेस हम चेक करेंगे. ये assertion, ये क्वेश्चन, ये आंसर. परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर टू एंश्योर दैट रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड सेल्स वर नॉट टेम्पर्ड टुवर्ड्स द पीरियड एंड. हमें ये देखना है कि जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड हुआ है, कुछ भी पीरियड एंड के आसपास कुछ भी टेम्परिंग कुछ भी गलत नहीं हुआ है. कट ऑफ एरर्स विल यूजुअली अराइज व्हेन कंपनीज रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेट ऑन विच द सेल्स इनवॉइस आर जनरेटेड रादर देन द डेट ऑन विच रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू द बायर. जनरली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन होते हैं तब हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आपने AS9 पढ़ा होगा. राइट, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तब पास होते हैं जनरली जब हम गुड्स डिस्पैच करते हैं, इनवॉइस कभी भी बन सकता है. तो इनवॉइस की डेट के बेसिस पर अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब पास हुए वो अलग हो सकता है, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो कट ऑफ वहां पर चेंज हो सकता है, तो वो ध्यान में रखना है कि अगर वो दोनों ही चीज उनका रेवेन्यू बुकिंग के सिस्टम कुछ अलग है तो हम ध्यान रखेंगे. In order to perform robust sales cut-off test, auditor needs to understand and consider the specific cut-off error risk to each engagement. हर engagement में कितना risk हो सकता है cut-off का वो हम check करेंगे और उस basis पर हम अपनी audit procedure कर सकते हैं. Auditors should also verify the credit notes issued after the counting period. Sometimes sales team or sales personnel can make fictitious sales before the year end to meet performance target and cancel out those sales with post year end credit note. हमें ये ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर के भी हम क्रेडिट नोट्स चेक करेंगे. हो सकता है कि सेल्स टीम को अपना टारगेट अचीव करना था तो इस साल में उन्होंने बहुत सारा सेल्स दिखा दिया और नेक्स्ट ईयर में उन्होंने उसे क्रेडिट नोट एज अ सेल्स रिटर्न दिखा दिया, राइट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ऐसी चीज कुछ नहीं हुई है ना, वो हमें देखना रहेगा. प्रेस फ्रॉम द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू द सेल्स जर्नल. शिपिंग डॉक्यूमेंट जो शिप हुआ है उनसे हमें सेल्स जर्नल के साथ हमें मैच करना रहेगा ताकि पता चले.
check whether quantity is appearing in sales register or not, and check reconciliation of total sales or sales or goods dispatched as per stock records and financial records and statutory records like GST. हम various जो भी registers मिलेंगे जिसमें quantity का details हमें मिलेगा तो उस सभी को हम reconcile करेंगे, match करेंगे ताकि पता चले कि कोई गड़बड़ है या नहीं. Review GST tax and GST returns and ensure that the same are reconciled with revenue reported in the profit and loss account. Verify reasonability of good GST by applying the applicable rate to the gross sales value and compare the amount of GST as per statutory returns and analyze the reasons for variance if any. हमें GST returns के basis पर देखना है कि GST जो है उस हिसाब से sales बराबर book हुआ है या नहीं. हम reverse calculation करेंगे कि जितना GST pay किया उस हिसाब से कितना sales होना चाहिए. वो sales हम चेक करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में भी इतना ही दिखाया है या नहीं. इवन जीएसटी रिटर्न्स में भी सेल्स की फिगर्स मिलेगी तो उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट. तो ये कंप्लीटनेस के बारे में था. कट ऑफ प्रोसीजर करेंगे हम, ये देखेंगे कि ईयर एंड के आसपास जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बराबर रिकॉर्ड हुए है या नहीं. सेल्स रिटर्न जो नेक्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया है तो ऐसा नहीं है ना कि वो इस साल सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स इन्फ्लेट करने के लिए ऐसी चीज है कि अभी सेल्स बढ़ा दी और नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट नोट दे दी, तो ऐसी कुछ चीज नहीं हुई है ना. वो हमें चेक करना रहेगा. फिर हम वेरियस डॉक्यूमेंट्स के साथ, वेरियस रजिस्टर्स के साथ उन क्वांटिटीज को मैच कर सकते हैं. हम शिपिंग डॉक्यूमेंट टू सेल्स जर्नल को ट्रस्ट कर सकते हैं और जीएसटी टैक्स रिटर्न है या फिर जीएसटी का टैक्स कैलकुलेशन वगैरह है वो उनसे हम सेल्स मैच कर सकते हैं. Then all sales are accurately measured as per applicable accounting standards and correctly journalized, summarized and posted. That is measurement. Trace a few transactions from inception to completion. Examination in depth. हमें जहां से sales order मिला वहां से लेकर sales invoice बना या फिर even receipt मिली तब तक हम पूरा ही trace करेंगे. थोड़ा सा transaction पूरे ही देखेंगे ताकि internal controls उसमें जो record वगैरह होता है वो सारी चीजें हमें clear हो जाएगी. For example, take few sales transaction and check from the receipt of sales order to the payment of receivable balance. Every underlying document to ensure if it is properly recorded at every stage and measured accurately, taking into consideration all the incentive discount if any. The recognition shall be according to revenue recognition policy of the entity. Then, if the client is engaged in export sales, then compliance with AS 11 shall be ensured. S11 है वो फॉरेन एक्सचेंज वाला जो कन्वर्जन है उसमें देखेंगे. एक्सपोर्ट सेल्स है तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन है वो बराबर हुआ है या नहीं वो देखेंगे. ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड क्लाइंट्स ऑपरेशन एंड रिलेटेड गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन वर्सेज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वेर एवर एप्लीकेबल. जैसे ही सेल हो जाएगा वैसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे या फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेस सर्विसेज या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा तो वहां पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आएगा. तो वो देखना है किस तरह से वो लॉक करते हैं. कंपेयर द रेट्स ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टीज एंड रिव्यू देम फॉर कलेक्टेबिलिटी एज वेल एज वेदर दे वर प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वेर रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस. हमें कंपेयर करना है जो रेट से रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके साथ कि वो बराबर है मार्केट प्राइस पर है या नहीं. आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है. आर्म्स लेंथ प्राइस पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है तो वहां पर रिस्क हो सकता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, मिसस्टेटमेंट हो सकता है, राइट. तो उसे कंसिडर करना रहेगा. तो मेजरमेंट के लिए चार पॉइंट्स थे कि हमें ट्रेस करेंगे थोड़े से ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंसेप्शन टू द एंड ताकि सब कुछ पता चल जाए. देन सेकंड पॉइंट था कि जहां पर हमने एक्सपोर्ट सेल्स किए हैं वहां पर एस 11 के रिक्वायरमेंट चेक करेंगे. थर्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जिस तरह से करते हैं वो देखेंगे. एंड फोर्थ, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है तो रेट्स वगैरह चेक करेंगे कि या वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या. Required disclosures for sales have been appropriately made. उसके लिए Schedule 3 है. Disclosure as required by Schedule 3 Part 1. Schedule 3 of the Companies Act 2013 है. उसमें financial statements किस तरह से होने चाहिए वो दिया गया है. उसे हम applicable financial reporting framework कह सकते हैं. उसमें Part 1 है वो AS वाले balance sheet है उसके लिए दिया गया है. तो हमें यहाँ पर Schedule 3 Part 1 के हिसाब से पूरे ही disclosures दिए हुए हैं. Item wise भी दिए हैं और जो necessary ज्यादा disclosures देने भी जो जरूरी है, जो 31st March 22 की balance sheet से applicable हुए हैं वो disclosures भी दिए हुए हैं. वो काफी important है. बहुत सारे changes लाए गए हैं from 31st March 22 balance sheet. तो उसे भी हमें consider करेंगे. वो भी आपको question पूछ सकते हैं. तो ये disclosures requirement है companies के लिए है. Companies Act 2013 Schedule 3 Part 1, right? तो उसमें जो disclosure के requirement है sales के लिए वो क्या है वो देखते हैं. Whether disclosure of sales in respect of each class of goods has been
मेड जितने भी क्लास ऑफ गुड्स हैं उन सभी के लिए सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है कि नहीं, डिस्क्लोज किया है या नहीं, वेदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द नोट्स एज रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फेस होगा उसमें तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखेंगे, बट उनकी जो नोट्स होगी उसमें अलग से डिस्क्लोजर आएगा, इन डिटेल डिस्क्लोजर, जिसमें लिखना है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी इफ एनी अगर एप्लीकेबल है तो, सेल ऑफ सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, या इस तरह से बायफर्केशन करना रहेगा। वेदर ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ऑन सेल्स अदर देन यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट हैज बीन डिस्क्लोज्ड, ब्रोकरेज या फिर डिस्काउंट है अदर देन ट्रेड डिस्काउंट उसे हमें डिस्क्लोज करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट तो नेट ऑफ करके ही दिखाएंगे। वेदर द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स, सिंपल। तो ये था हमारा सेल्स मेन जो मेजर रेवेन्यू पार्ट रहता है उसका ऑडिट। देन अदर इनकम कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, हमें यहाँ पर अदर इनकम के बारे में दिया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मेजर होता है, अदर इनकम अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से इनकम मिलती है वो, लाइक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट वगैरह, राइट, फिर डिविडेंड मिला है अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में तो, या फिर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें। यहाँ पर हम मेजरली तीन इस इनकम को, तीन अदर इनकम को डिस्कस करेंगे। Any form of income earned by an entity which is not linked to the entity's core business operation is generally classified as other income. Example, interest on excess funds parked in FD with banks. The entity not being a bank or financial institution. Entity है उनका major काम financing institution या bank वाला नहीं है तो वो अपने जो ज्यादा excess fund है उसे fixed deposit करवा सकती है, उसमें से interest मिलेगा। Interest on loans given to third parties within the group. रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, ये सारी इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इनकम कितनी रिकॉर्ड करेंगे, जितने टाइम के लिए हमने वो एफडी रखी है उतने टाइम के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे, और उनका जो इंटरेस्ट का रेट है उसे कंसिडर करके हम ये कैलकुलेट करके हम रिकॉर्ड करेंगे। Dividends are recognized in the statement of profit and loss only when the entity's right to receive payment of dividend is established. जब entity को right to receive होगा तभी हमें record करना है। Second condition है it is probable that the economic benefit associated with the dividend will flow to the entity. उनके साथ जो economic benefit है वो entity को ही मिलने वाला है and the amount of the dividend can be measured reliably. और पता है कि हमें इतना ही dividend मिलेगा, वो amount है वो हम reliably measure करेंगे, कर पाएंगे, तभी हमें dividend recognize करना रहेगा। ये जो point है वो एक बार correct incorrect में पूछा हुआ है, right? And gain or loss on sale of investment in a mutual funds is recorded as other income on transfer of title from the entity and is determined as the difference between the redemption price and carrying value of the investment. गेन या लॉस क्या होगा, हमारी जो कैरिंग अमाउंट होगी जिस अमाउंट पर हमने परचेस किया होगा और जिस अमाउंट पे हमने रिडीम किया उनका जो डिफरेंस होगा वो गेन या फिर लॉस होगा, उसे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए एज इनकम। गेन होगा तो इनकम, लॉस होगा तो एक्सपेंस। इवन ये भी एक बार क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड और गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो किस तरह से रिकॉर्ड होता है, मतलब क्या होता है वो सारी चीजें, यही लिखना था। काफी सिंपल, ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं बट लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं होता इसलिए नहीं आता है। चलिए, इसमें भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और ऑडिट प्रोसीजर है, बट यहाँ पर जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे ही एसर्शन एक साथ दिए हुए हैं, बट यहाँ पर इनकम वाइज हमें किस तरह से ऑडिट प्रोसीजर करनी है वो दिखाया गया है। तो पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जितने भी एसर्शन है वो पढ़ लेते हैं। रिकॉर्डेड अदर इनकम वॉज अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड, दैट इज अकरेंस। अदर इनकम अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड वॉज अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एंड देर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट, दैट इज कंप्लीटनेस। एंड अदर इनकम हैज बीन मेजर्ड अप्रोप्रिएटली एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज मेजरमेंट। उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओपन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द डिपॉजिट वॉज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। हमें पूरा एक लिस्ट ले लेना है कि कितने फिक्स डिपॉजिट्स है, राइट, वो कब ओपन करवाई और उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या था, कितने दिनों के लिए वो आउटस्टैंडिंग थी, वो सारी चीजें हम ले लेंगे। Verify the arithmetical accuracy of the interest calculation made by the entity by recomputing, that is multiplying the deposit amount with the applicable rate and number of days during the period under audit. हम interest income जो होगी उसे हमें recompute करेंगे, recalculation वाली हम procedure है वो, audit procedure है वो apply करेंगे। हमारे पास FD की amount है,
कितने दिनों के लिए वो एफडी रखी है वो है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उससे हम इंटरेस्ट इनकम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर डिपॉजिट स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट द पीरियड एंड ट्रेस द सेम टू द डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हमें जो भी एफडी है वो एफडी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाएगी, हमारी असेट्स का पार्ट होगी, तो वो जो एफडी है उससे हमें एज असेट दिखाया हुआ है, तो उसके लिए हम कंफर्मेशन भी मंगवाएंगे ताकि पता चले कि जो एफडी आउटस्टैंडिंग दिखा रही है जोन 31 मार्च वो बराबर है, और हमारे इंटरेस्ट इनकम भी उनसे पता चलेगा कि वो जो भी बराबर अमाउंट है या नहीं, तो उसके लिए कन्फर्मेशन लेंगे फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑब्टेन अ कन्फर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बैंक एंड वेरीफाई द इंटरेस्ट इनकम एज पर बैंक रिकनसाइल्स टू द कैलकुलेशन शेयर्ड बाय द एंटिटी. जो बैंक ने किया हुआ है और एंटिटी ने जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है उसे हम चेक करेंगे, कन्फर्मेशन लेंगे कि बराबर हुआ है या नहीं. इवन ये कन्फर्मेशन आपको बैंक से मिल जाएगा, एफ डी की बैलेंस एज वेल एज इनकम इंटरेस्ट इनकम कितनी है वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो अक्रूड होगी, ड्यू नहीं हुई होगी. ड्यू तो ये एफ डी मैच्योर होने के टाइम पर होगी, बट नेसेसरी नहीं है कि 31 मार्च को सारी ही एफ डी मैच्योर हो जाए, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो अक्रू हो जाएगा. ऑल्सो ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ फॉर्म 26S TDS withholding by the bank or financial institution and reconcile the interest reflected therein to the calculation shared by client. हमें कॉपी ऑफ 26AS या फिर अब AIS बन गया है, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राइट, तो उसमें से भी हमें पता चलेगा कि कितना TDS डिडक्ट हुआ है. FD की इंटरेस्ट के ऊपर TDS डिडक्ट होता है, तो वो जो TDS डिडक्ट हुआ है उसे हमें चेक करना है कि वो बराबर है या नहीं. इवन उस TDS के ऊपर से भी हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट इनकम कितनी होनी चाहिए, राइट. तो ये सारी थी FD इंटरेस्ट को चेक करने के लिए. हम FD का लिस्ट लेंगे, उसमें से सारी डिटेल्स को है उसे चेक करेंगे, उसे हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट इनकम को, इवन कंफर्मेशन लेंगे फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग FD बैलेंस एज वेल एज इंटरेस्ट इनकम, और 26S के साथ भी हम चेक करेंगे. For dividends, verify that the same are recognized in the statement of profit and loss only when the entity's right to receive payment of the dividend is established. जब right to receive of payment of dividend होगा तभी उसे record हुआ है या नहीं वो check करना होगा. सिर्फ एक ही point दिया हुआ है. Verify that gain or loss on sale of investment in mutual fund is recorded as other income only on transfer of title from the entity and is determined as the difference between the redemption price and carrying value of the investment. जब mutual fund हम sell करेंगे तब उसमें से जो गेन या फिर लॉस हुआ है वो हम तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हमने एक्चुअल में ट्रांसफर कर दी है टाइटल, एंड उसमें से जो रिडेम्पशन प्राइस और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है वही हम रिकॉर्ड कर पाएंगे. समझ में आ रहा है ना. फॉर द पर्पस अदर देन म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट एंड सॉरी फॉर द पर्पस ऑब्टेन द म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट एंड ट्रेस द गेन और लॉस एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू द गेन और लॉस एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट. उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें से हमें पता चल जाएगा गेन या लॉस है वो बराबर बुक हुआ है या नहीं. सिंपल उसका डिस्क्लोजर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम डिविडेंड इनकम यहाँ पर नॉट नहीं नेट गेन होगा, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम नेट ऑफ एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू सच एक्सपेंस, राइट. इस तरह से हम डिस्क्लोज करेंगे. सिंपल चलिए. देन अनडिस्क्लोज्ड इनकम है. The company shall give details of any transaction not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961, such as search or a survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act 1961, unless there is immunity for disclosure under any scheme, and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होगी. जो प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं की है बट इनकम टैक्स की असेसमेंट की प्रोसीजर है उसमें सर्च वगैरह रेट वगैरह है तो उस हिसाब से कुछ इनकम पता चली कि हाँ ये भी इनकम है जो प्रीवियस ईयर में डिस्क्लोज नहीं की थी तो वो सारी इनकम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी डिस्क्लोज करनी होगी. जो प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड थी उसे अभी डिस्क्लोज करना रहेगा. ये 31 मार्च 2022 से कंपल्सरी डिस्क्लोजर में आया हुआ है. ये जितना भी आपको बोल्ड दिया हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक दो क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, राइट. तो वो अच्छे से कीजिएगा. तो उस इनकम को डिस्क्लोज करना है हाँ, बट उसके लिए इम्यूनिटी मिली है कि इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. कई बार इनकम टैक्स खुद स्कीम लेकर आता है कि आप हमें अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दीजिए, आपको जितनी नॉर्मल पेनल्टीज है उनसे कम पेनल्टी
भरनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसा बेनिफिट्स मिलते हैं कई बार कि चलो ठीक है आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो चलेगा, अगर ऐसे कोई इम्यूनिटी है तो जरूरी नहीं है, बाकी यहाँ पर हमें अनडिस्क्लोज इनकम जो भी होगी उसे डिस्क्लोज करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कारो 2020 में भी एक क्लोज है, वो कारो 2020 का जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए समझ में आ रहा है ना, ये हमारा था इनकम का पार्ट था, अब हम जो करेंगे डिस्कस वो परचेस और एक्सपेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है परचेस, राइट। चलिए वो स्टार्ट करते हैं, परचेस। परचेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परचेस, परचेस इज अनदर सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ एन एंटिटी सिमिलर टू सेल्स एज डिस्कस्ड अबव। परचेस इज एंड डिसबर्समेंट साइकिल इन अ बिजनेस रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट बिगिन व्हेन ऑर्डर ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज इज प्लेस्ड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन और यूजर डिपार्टमेंट एंड एंड्स व्हेन द एंटिटी रिसीव्स द प्रोडक्ट एंड मेक्स कंप्लीट पेमेंट टू वेंडर्स। जब हम परचेस का ऑर्डर देंगे, परचेस की रिक्विजिशन वगैरह होगी, तब से लेकर उसके लिए पेमेंट करेंगे तो वो पूरी ही साइकिल परचेस साइकिल बनेगी। इस चैप्टर में जो ये इस तरह से पैराग्राफ्स वगैरह दिए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टेबल में दिए हैं वो खास इंपॉर्टेंट है, इस तरह से टेबल में है उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, और ये बोल्ड किया हुआ पार्ट जो डिस्क्लोजर है वो ज्यादा पूछते हैं, ऐसी सारी प्रोसेसेस पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, वो आप फिर से रीड नहीं करेंगे तो चलेगा। मैं यहाँ पर इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसमें से अगर करेक्ट इनकरेक्ट अगर पूछने के चांसेस है तो आपने अगर एक बार सुना होगा तो कुछ भी पूछ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। As part of the year-end audit of an entity's financial statements, auditor tests purchase transaction and the internal controls over those transactions to ensure that the entity is not materially misstating its purchases or accounts payable. हम purchase के transaction, few transactions check करेंगे, उसके internal controls वगैरह check करेंगे ताकि उसमें से पता चले कि उसमें या फिर accounts payable जो है उसमें कुछ गलत नहीं है, materially misstated नहीं है. Auditor needs to obtain an clear understanding about the organization and its production centers, for example, types of services or products they produce, procure, that are used in the production or rendering of services, sources of procurement, whether domestic or overseas, general availability and terms and conditions of purchase of the services or product, major vendors, credit period, quality checks, purchase terms, credit or cash purchase, etc. हमें कुछ चीजें purchase के बारे में समझनी होगी, उनके क्या major products है जो वो purchase करते हैं, क्या credit terms वगैरह सारी रहती है, कहाँ से परचेस करते हैं, डोमेस्टिक या फिर इंपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमें समझनी रहेगी, राइट। एन ऑडिटर नीड्स टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट्स ओवर परचेस, फॉर एग्जांपल वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट, वेदर कॉम्पिटिटिव क्वोट्स आर इन्वाइटेड, ये सारे ही कंट्रोल्स है, तो ये कंट्रोल्स हमें देखने हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कोई एक ही पर्सन सब कुछ नहीं कर रहा है ना, क्वोटेशंस वगैरह मंगवाए जाते हैं या नहीं, वो सब कुछ देखना होगा। वेदर अ परचेस कमिटी एग्जिस्ट हु ऑथराइजेस परचेस प्राइस इश्यूज एंड ऑथराइज परचेस ऑर्डर्स, व्हेन एंड हाउ द गुड्स आर रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड, हु चेक्स द क्वालिटी क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स रिसीव्ड एंड प्रिपेयर्स गुड्स रिसिप्ट नोट, गुड्स जब भी रिसीव होते हैं तो कौन रिसीव जी आर एन गुड्स रिसिप्ट नोट बनाता है, who approves the vendor invoice, whether a two-way or a three-way match process exists, that is tally between purchase order, GRN and vendor invoice. Two-way या three-way match क्या होगा? कि तीन अलग-अलग चीजों को आप match कर रहे हैं तो वो three-way match हो जाएगा। Purchase order है, goods receipt note है और invoice को आप check करें, कितना order किया, कितना goods receive हुआ और कितना bill हुआ, वो सभी को आप check करेंगे तो पता चलेगा कि quantity है वो सब कुछ बराबर record होती है या नहीं। Purchase order, GRN और invoice है। How the purchase have been recognized in the system, और किस तरह से purchase हो वो recognized होती है, और जो two-way match था उसमें कोई भी दो चीज PO, GRN या फिर invoice है उसमें से कोई भी दो चीज चेक करेंगे तो उसे two-way match कह सकते हैं, right? चलो। Then an auditor tests the control the entity has set up for the purchase cycle to determine whether they are effective or not. जो भी purchase cycle में जो भी controls है वो हम चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं। If the controls are effective, the auditor can reduce the extent of substantive testing. Common internal control over the purchase cycle include inviting competitive quotation for shortlisting the vendor, numbered purchase order authorizing over a certain limit, generation of GRN on receipt of goods, quality inspection of goods, two-way, three-way match, authorization of purchase invoice, appropriate authority of recognition the purchase in the system, etc. ये सारे ही controls हो सकते हैं, तो इस controls बराबर, ये controls बराबर है या नहीं वो हमें check करना रहेगा। Auditor selects a random sample of transaction and examines the related purchase orders, GRN, purchase invoice, inward gate entry register, vendor reconciliation statements, etc. ये सारे जो documents होंगे वो सारी चीज हम देख
ये कि परचेस ऑर्डर कितना हुआ है, गुड्स रिसीव कितना हुआ है, इनवर्ट गेट एंट्री रजिस्टर मतलब सिक्योरिटी वाले पर्सन ने कि कितना गुड्स इन हुआ है उनका जो रजिस्टर है वो चेक करेंगे, वेंडर का रिकंसिलिएशन करेंगे, स्टेटमेंट्स देखेंगे, वो सारी चीजें आएगी। परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज मस्ट। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ परचेस ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज परचेस, एनी एनालिसिस ऑडिटर मे फाइंड रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सेटिंग ऑफ परचेस एक्सपेक्टेशन इन रिलेशन टू द सेल्स मेट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट एंड कंपेयर दैट विद द क्लाइंट्स परचेस रिकॉर्ड्स। परचेस के लिए भी हमें सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करनी होगी। हम ट्रेंड एनालिसिस चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वेरियस अदर एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, और सेल्स कितना हुआ उस हिसाब से कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, उस हिसाब से कितना गुड्स हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा और कितना परचेस किया है, वो सारी चीजें भी हम कंपेयर कर सकते हैं। The auditor would need to know the purchase prices to the products or services over the year, monthly average purchase price per product or service, etc. ठीक है, generally वो purchase price किस तरह से, वो भी हम analyze कर सकते हैं, उसका example है वो आप पढ़ सकते हैं, right? उसके बाद audit procedures दी है, ये ज्यादा important है, उसके पहले जो हमने अभी discuss किया वो एक बार skip कर दोगे तो चलेगा। तो चलिए अब परचेस का ऑडिट प्रोसीजर वगैरह देखते हैं। रिकॉर्डेड परचेस रिप्रेजेंट गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड और सर्विस्ड अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, दैट इज अकरेंस। एंश्योर परचेसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर, वेदर एनी फिक्टिशियस वेंडर्स हैव बीन बुक्ड और परचेस हैव बीन रिकॉर्डेड बाय रिव्यूइंग द वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग प्रोसीजर टू एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ द वेंडर्स। हमें देखना है कि कोई भी जो परचेस है वो फिक्टिशियस वेंडर्स के पास से नहीं हो रही है, एक्चुअल में कोई वेंडर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट हमने ओवर स्टेटमेंट किया है, परचेस ज्यादा ही दिखा रहे हैं। वेदर द गुड्स वर रिसीव्ड एट द फैक्ट्री गेट एंड वेदर देयर एग्जिस्ट एन एंट्री इन द सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर। जो भी गुड्स इन होता है उसके लिए क्या एंट्री इनवर्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है या नहीं, वो हमें चेक करना है। अगर होता है तो उससे भी हम अलग अलग वेरियस डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर पाएंगे। वेदर क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वॉज डन, जो भी परचेस होता है उसके लिए क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है या नहीं, क्योंकि अगर होता होगा तो उसमें से भी हमें पता चलेगा कि हाँ गुड्स रिसीव हुआ है, उनका इंस्पेक्शन हुआ है। वेदर गुड्स रिसीव्ड नॉट वॉज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय एन अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल, जो भी गुड्स रिसीव्ड नॉट बनी है वो बराबर से बनी है, फॉर्मेट में बनी है या नहीं, और उसका अप्रूवल वगैरह किसने दिया है। Then whether the purchase invoice was approved as per delegation of authority and whether 302MH as discussed above was done. Purchase invoices है वो approved हुए या नहीं, जिसके भी पास delegation of authority है, जिसके पास authority है उन्होंने वो match approve किए है या नहीं, और two-way, three-way match भी हम करेंगे, check करेंगे. Whether stock record has been updated by the stores personnel ने भी update किया या नहीं, goods जो भी receive हुआ उनको उन्होंने update किया या नहीं, वो भी हमें check करना रहेगा. Special consideration during the audit of purchase. Purchase invoice received should be the original copy and not photocopy or carbon copy against which the entity has recorded the purchase in its books of account. Original copy ही होनी चाहिए। हमने वो chapter 3 के जो part 1 था SF500 उसमें भी जो reliable audit evidence के बारे में था उसमें भी एक point था कि generalization है कि original invoices are more reliable than duplicate photocopy वगैरह, राइट? तो ओरिजिनल इनवॉइसेस ही हमें देखने चाहिए। परचेस इनवॉइस शुड हैव बीन बुक्ड ओनली वंस रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एंटिटी। परचेस कब हम रिकॉर्ड करेंगे, जिस क्लाइंट का हम रिकॉर्ड क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट को वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन हो जाना चाहिए। सेल्स में क्या था कि जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं वो अपने कस्टमर्स को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन करेंगे। परचेस के केस में जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं उनको रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन होने चाहिए, तभी वो परचेस बुक होना चाहिए। Specific consideration for cases where the terms of delivery as agreed with vendor are FOB or CIF etc. जहाँ पर specific consideration होगा, import के case में ऐसा हो सकता है FOB free on board और CIF cost insurance और freight. FOB free on board में किस तरह से होगा कि जो seller है, right, उसका काम कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक वो उनके जो लोकेशन है वहां से डिस्पैच करता है वहां तक ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, राइट? फ्री ऑन बोर्ड उनके बाद कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफओबी के केस में डिस्पैच होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कस्टमर को पास हो जाएगा। तो अगर जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं वो एफओबी के बेसिस पर अगर इंपोर्ट किया हुआ है तो जैसे ही डिस्पैच करेगा उनका जो वेंडर है वैसे ही परचेस रिकॉर्ड कर सकता है। बट अगर सीआईएफ है तो उसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां तक कस्टमर के
जो लोकेशन है वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की रहेगी। उस केस में कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट सब कुछ सेलर बेयर करेगा, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि जब एक्चुअल में रिसीव होगा गुड्स फिर ही हम एज अ परचेस रिकॉर्ड कर पाएंगे, राइट। तो वो किस तरह से टर्म्स है वो देखनी रहेगी। Purchase invoice should be in the name of entity. However, in case of a different branches, it should be addressed to the appropriate branch. जो भी purchase invoice है वो entity के नाम पे ही होना चाहिए। अगर हाँ branches वगैरह है तो वो particular branch के नाम पर हो सकता है। Income input tax component should have been booked in the input tax ledger. The auditor should obtain tax returns filed with the authorities and tally the input taxes reflected in the books to the amount disclosed in the रिटर्न्स। इनपुट टैक्स जीएसटी अगर आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा कि इनपुट टैक्स मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी परचेस वगैरह होती है तो उसके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, उनमें जो जीएसटी पे किया है वो एज अ क्रेडिट मिल जाएगी, उतना टैक्स कम पे करना होगा। तो वो जो इनपुट टैक्स लेजर है उसे चेक करना रहेगा कि उसमें जो इनपुट टैक्स दिखाया हुआ है वो बराबर है या नहीं, वो हम परचेस इनवॉइस के साथ चेक करेंगे, उसको स्पेसिफिक अलग से लेजर में दिखाया है या नहीं, वो सारी चीजें हमें देखनी रहेगी। In case of a purchase made from related parties or allied and associated concerns, the auditor needs to verify if requisite approval from board of directors, appropriate authority, has been obtained and should verify the selected samples and perform analytical procedures in relation to price of goods to confirm that the price charged is at arm's length. Purchase agar related parties ke paas se hua hai, to ye dekhna hoga ki wo arm's length price par hai ya nahi, right? Usme kuch अलग नॉर्मल मार्केट प्राइस के अलावा कुछ चीजें है, राइट। उसके अलावा टर्म्स कंडीशंस है या कोई अलग रेट्स पर अगर ये परचेस हुआ है तो वो हमें खास ध्यान में रखना है, उसे अलग से नोट करना होगा, डिस्क्लोज करना रहेगा क्योंकि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा। ऑडिटर शुड रिव्यू वेदर परचेसेस शुड बी कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस्ड ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू हिज प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर को चेक करना है कि जो परचेजेस है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होनी चाहिए, वो देखना रहेगा। अगर कोई भी कैपिटल असेट को बनाने के लिए कुछ भी चीज परचेस की है तो उसे कैपिटलाइज होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ असेट होना चाहिए, बाकी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। रिव्यू जर्नल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी परचेस है वो अनयूजुअल लग रही है तो उसके ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे क्योंकि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क हो सकता है, फ्रॉड रिस्क हो सकता है, राइट। तो ये अकरेंस के बारे में था, राइट। अच्छे से ये याद कीजिएगा क्योंकि जो अकरेंस है उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो इसमें से आपको पॉइंट्स लिखने रहेंगे। ऑल परचेसेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट, दैट इज कंप्लीटनेस। कोई भी ट्रांजेक्शन अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटेड नहीं है, राइट। कंप्लीटनेस जितने होने चाहिए वो सारे ही रिकॉर्ड हुए हैं। All purchases have been measured appropriately, measurement. ये दोनों ही चीज यहाँ पर साथ में कवर अप की है, उनके साथ में ही ऑडिट प्रोसीजर दी गई है। In addition to the procedure for establishing occurrence of purchase as discussed above, the auditor should perform cut-off test to ensure that purchases are recognized in the correct accounting period. For the purpose of auditor should examine material invert record, say, last five transactions at the period end to check that all corresponding invoices have been duly entered in the purchase book and none have been omitted. Amen. लास्ट ईयर एंड के आसपास जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसमें से थोड़े से ट्रांजैक्शंस देखने रहेंगे ताकि पता चले कट ऑफ प्रोसीजर कि जिस ईयर का वो परचेस है उसी ईयर में वो रिकॉर्ड हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर का परचेस नहीं है ना, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इस साल का परचेस है वो नेक्स्ट ईयर में डिस्क्लोज किया हुआ है, तो वो हमें देखना रहेगा, वो आप अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं। तो हम लास्ट के कुछ ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, ये कट ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा। Ensure correct accounting treatment of goods in transit as per the agreed terms with the vendor regarding transfer of risk and rewards of ownership in goods. अगर जो भी goods है उस वो dispatch हो गए हैं और dispatch होते ही risk and rewards है वो जिस client का हम audit कर रहे हैं उनको मिल गए हैं तो वो goods in transit होंगे, वो भी purchase as a purchase record कर सकेंगे और वो inventory का part हो जाएगा, तो उसे भी हमें check करना है कि वो बराबर है या नहीं। Obtain written representation from the management that all the purchase that took place during the year have been properly recorded in the books. हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा मैनेजमेंट के पास से कि जितने भी परचेस के ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे ही रिकॉर्ड कर दिए हैं, राइट। ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो SF-580 में कवर अप होता है, हमने चैप्टर 3 पार्ट 2 में कवर अप किया था, वो आपने वो देख लिया होगा। चलिए, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस टू परचेस क्वांटिटी एंड प्राइस विच में इंक्लूड। हम एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हैं, वेरियस रेशियो एनालिसिस वगैरह, वेरियस अदर एनालिसिस हम कर सकते हैं, वो यहाँ पर समझाया है तो वो हम समझते हैं। कंजम्पशन एनालिसिस,
हम कितना कंजम्पशन किया है उससे भी पता चल पाएगा कि परचेस है वो बराबर है या नहीं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्शन वगैरह के बेसिस पर। ऑडिटर शुड स्क्रूटिनाइज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड कंपेयर द सेम विद प्रीवियस ईयर विद क्लोजिंग स्टॉक एंड आस्क फॉर द रीजंस फ्रॉम द मैनेजमेंट इफ एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आर फाउंड। हम मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ है, राइट, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह क्या है, उसे प्रीवियस ईयर के साथ मैच करेंगे और देखेंगे कंजम्पशन वगैरह है वो बराबर बुक हुआ है या नहीं, राइट, उससे भी पता चलेगा परचेस भी बराबर हुआ है या नहीं, राइट, कंपैरिजन से भी आइडिया आएगा। स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस करेंगे जो भी इन्वेंट्री है उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह कितना है। ऑडिटर टू कलेक्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर कंपैरिजन ऑफ स्टॉक दैट इज रॉ मटेरियल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक एंड कंपेयर द सेम विद प्रीवियस ईयर एंड आस्क फॉर रीजंस फ्रॉम मैनेजमेंट इन केस ऑफ अ सिग्निफिकेंट वेरिएशंस। स्टॉक कंपोजिशन, हम रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है उस कंपोजिशन कितनी है इन्वेंट्री में वो देखेंगे, राइट, उसमें अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन है प्रीवियस ईयर वगैरह से तो उसे चेक करेंगे, रीजंस पूछेंगे। रेशियोज, ऑडिटर शुड कंपेयर द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ द करंट ईयर विद प्रीवियस ईयर, इस तरह के रेशियोज जो है उसे भी हम चेक कर सकते हैं और उसे प्रीवियस ईयर के साथ मैच करेंगे कि कितना डिफरेंस वेरियंस आ रहा है उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑडिटर शुड रिव्यू क्वान्टिटेटिव रिकन्सिलियेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ ओपनिंग स्टॉक परचेज एंड कंजम्पशन। हम जो भी स्टॉक है उनकी क्वांटिटी का पूरा रिकन्सिलियेशन कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन होना चाहिए तो उस तरह से हो रहा है या नहीं, या फिर वेरियस अलग कॉम्बिनेशन में ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और इसके डिस्क्लोजर है वेदर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हैव बीन स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ऐसी चीज है कि जो हम सीधा ही सेल कर देने वाले हैं तो उसका परचेज अलग से दिखाया है या नहीं। Whether changes in inventories of finished goods, stock in trade and work in progress have been specifically disclosed. Changes in inventory, मतलब opening stock और closing stock का जो difference है वो बराबर disclose किया है या नहीं वो दिखाना है। Whether the transaction with related parties are appropriately disclosed in the notes to accounts. Simple. Sales और purchase की audit procedures काफी similar है तो वो आपको साथ में ही पढ़नी चाहिए तो आपको easily आप connect कर पाएंगे और याद रख पाएंगे, right? चलिए, then employee benefit expenses, employee benefit expenses में employees के लिए किए हुए सारे ही खर्चे हैं वो इसमें आएंगे। employees को salary, wages है, allowances है, कोई incentives दे रहे हैं वो सारी चीजें, even staff welfare expense, उनके recruitment के लिए expense, training का expense, वो सारी चीजें employee benefit expense में आएगी। तो employee benefit expense में हमें क्या क्या controls हो रहे हैं, वो procedures, उनकी policy, HR policies वगैरह वो सारी follow हो रही है या नहीं वो सारी चीजें हमें चेक करनी होगी, वो बराबर है या नहीं वो सारी चीजें हमें चेक करनी रहेगी, राइट। ये जो प्रोसीजर अभी दी है ये समझने की जरूरत नहीं है, आप ये इग्नोर कर सकते हैं, सीधा ही हम ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए, उसमें भी जो assertions है वो सारे ही एक साथ दिए हुए हैं तो वो समझते हैं। रिकॉर्डेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वर एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज अकरेंस, राइट। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पर्टेनिंग टू द पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली, completeness. Employee benefit expenses have been measured appropriately. There is no understatement or overstatement measure. Obtain an understanding of entity's process of capturing employee attendance. There is always risk that an entity could record expense for fictitious employees. हमें देखना है कि जो attendance वगैरह है वो बराबर system है या नहीं, वो attendance है वो अच्छे से लिए जाते हैं या नहीं, उसके ऊपर internal controls अच्छा है या नहीं वो check करना है। Attendance है उसके लिए अब तो generally biometrics वगैरह वो आ गए हैं, राइट, तो वो सब कुछ बराबर फॉलो होते हैं या नहीं वो देखना रहेगा। कोई फिक्टीशियस एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं होता है ना वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि फिक्टीशियस एम्प्लॉयज को पेमेंट करना फ्रॉड करने के लिए इजी टेक्निक है, राइट, वो हमने इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स में देखा था फ्रॉड वाले चैप्टर में। टू एड्रेस द रिस्क द ऑडिटर मे चूज टू मीट द एम्प्लॉयज इन पर्सन ऑन अ सैंपल बेसिस, इसीलिए हो सकता है कि ऑडिटर है वो एम्प्लॉयज को इन पर्सन भी मिल सकता है, ये काफी डिफिकल्ट चीज है, प्रैक्टिकली ये करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। फर्दर द ऑडिटर मे चूज टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज एंड आस्क द पेरोल डिपार्टमेंट टू शेयर देयर बैंक डिटेल्स और आइडेंटिटी प्रूफ्स ऑफ द एम्प्लॉय। अगर ऑडिटर को लग रहा है तो उनके हम कुछ एम्प्लॉयज के बारे में उनके आइडेंटिटी प्रूफ बैंक डिटेल्स हम ले सकते हैं ताकि पता चले कि वो जेन्यून एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, वो फिक्टीसियस नहीं है। ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एज एट द पीरियड एंड अलॉन्ग विद अ मंथली मूवमेंट्स split between new hires, leavers and continuing employees. हम एक पूरा ही लिस्ट मंगवाएंगे जिसमें से पता चलेगा कि कितने employees ने छोड़ दिया, कितने join हुए, वो सारी चीजें, right? और continuing employees कितने हैं।
For a sample, selected randomly of a new hires, obtain the appointment letter and verify whether the salary for first month and subsequent months was processed as per agreed terms. हमें जो भी न्यू हायर्स है, न्यू एम्प्लॉयज है, उनका लिस्ट मंगवाना है और उस लिस्ट के साथ चेक करना है कि उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर उनके जो हायर के डॉक्यूमेंट, हायरिंग के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ चेक करना है कि उसी हिसाब से उनको सैलरी पे की जाती है या नहीं, उसमें सैलरी का एक्सपेंस है वो बराबर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, वो हमें चेक करना रहेगा. For a sample, selected randomly of resigned employees, obtain their full and final computation and verify whether all their dues, including post-retirement benefits like gratuity, leave encashment, have been paid and whether the respective employees' acknowledgement or final computation has been obtained. Sample basis पर हम चेक करेंगे कि जो resigned employees, जिन्होंने resign कर दिया है, right, उनका full and final computation बराबर हुआ है या नहीं, right? ग्रेच्युटी लीव एनकैशमेंट जितनी भी सारी चीजें पे करनी है वो सब कुछ बराबर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं वो हमें देखना है. उनकी जो पॉलिसी वगैरह है उन्हीं उसी हिसाब से वो है या नहीं वो देखेंगे. ऑब्टेन द मंथली सैलरी रजिस्टर फॉर ऑल 12 मंथ्स. कंपाइल अ मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ एंड कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग मंथ एंड एनालाइज द रीजंस फॉर वेरियंस विच कुड बी एट्रिब्यूटेबल टू एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड एम्प्लॉय एट सीनियर लेवल ज्वाइनिंग और लिविंग द एंटिटी बोनस पे आउट एटसेट्रा. हम देखेंगे कि जो पूरा ही सैलरी रजिस्टर है वो चेक करेंगे 12 मंथ्स का जो पूरा ही है उस हिसाब से कितनी सैलरी इस बार की है, प्रीवियस ईयर की क्या थी और कंपेयर करेंगे. उसमें जो वेरियस वेरियंसेस आएंगे उसके रीजंस फाइंड आउट करने करेंगे हम इंक्वायर करेंगे. हो सकता है कि ईयरली इंक्रीमेंट दिया है उस वजह से या फिर सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज चेंज हुए तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है, बोनस वगैरह पे किया ऐसा कुछ हो सकता है. अगर वो जस्टिफाइबल है देन इट्स फाइन, अगर नहीं है तो वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है वो हम देखेंगे. Verify if accrual or provision has been made for all employee benefits and obligation like bonus, gratuity, leave encashment, etc. Accrual और provision के जिसमें भी necessary है उन सभी के लिए provisions बनाए हुए हैं या नहीं वो देखना रहेगा. Actuary की requirement रहेगी as जो 15 है employee benefits का उसके हिसाब से gratuity, leave encashment है उसके लिए हमें actuary के पास provision करवाना होता है, वो amount calculate करके देगा उसके लिए provision करना होता है तो वो बराबर हुआ है या नहीं वो देखेंगे. In case of a PF, ESI are applicable to the entity, compiler reasonability by applying the rate of basic wages and comparing to the amount recorded in books and analyze reasons for variance, if any. PF, ESI से वगैरह है तो उसमें salary के कुछ percentages contribute करने रहते हैं तो हम वो reasonability check कर सकते हैं कि ये salary है तो उसमें इतने percentage as per the statute है तो उस हिसाब से क्या amount आनी चाहिए, क्या उतनी ही amount उन्होंने pay की है या नहीं, उतनी ही amount as a liability दिखाई है या नहीं वो हम check करेंगे. Also obtain monthly deposit challenge to verify if the month-on-month liability was subsequently deposited with the authorities and within the defined timelines. और हम month-on-month challenge भी check करेंगे क्या वो regularly payment हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि for example April month की जो liability है वो May month में pay होनी चाहिए तो actual में वो pay हुई है या नहीं वो हम check करेंगे. और even खास ये check करना रहेगा जो 31st March को जो liability होती है वो actual में pay की है या नहीं वो भी हमें देखनी होगी, वो income tax के लिए भी necessary हो जाएगा. Perform analytical procedure to obtain audit evidence as to overall reasonableness of employee benefit expense, which may include production per employee analysis. Auditors should analyze units produced per employee and compare the same with previous year and present industry trend and ask for the reasons from the management if any significant variance are found. हमें per employee कितना production हो रहा है और actual production कितना हुआ है वो सभी को ऐसी चीजें ऐसे analysis भी हम कर सकते हैं ताकि पता चले कि कोई एम्प्लॉइज है, मतलब फिक्टिशियस वेंडर्स सॉरी फिक्टिशियस एम्प्लॉइज जिस चीज कुछ नहीं है या फिर एफिशिएंट नहीं है एम्प्लॉइज वो सारी चीजें भी हमें पता चले कि उसे हम प्रीवियस ईयर के साथ इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ वगैरह के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ भी वेरियंस डिफरेंस आएगा तो पता चलेगा, राइट. फिर डिस्क्लोजर है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है उसे हमें सैलरीज एंड वेजेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ एंड अदर फंड्स और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में बायफर्केट करना रहेगा. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी अलग से एक लाइन आइटम रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, पर नोट्स टू अकाउंट्स में इन डिटेल हम डिस्क्लोज करेंगे. सिंपल, चलिए. फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है बट वो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स का ऑडिट देखेंगे उसके साथ कवर करेंगे. चलिए देन आ जाइए पेज नंबर 9.98 पर. अदर एक्सपेंसेस लाइक पावर, फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल मिसलिनियस एक्सपेंस एटसेट्रा.
राइट, अदर एक्सपेंसेस को किस तरह से ऑडिट करेंगे वो चेक करते हैं। एन एंटिटी इन एडिशन टू मेकिंग परचेसेस एंड इनकरिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आल्सो इनकर्स अदर एक्सपेंडिचर लाइक रेंट, पावर, फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, मिसेलेनियस एक्सपेंस एट्सेट्रा दैट आर एसेंशियल एंड इंसिडेंटल टू रनिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। राइट, मेजर परचेस वगैरह है, उनके अलावा भी कुछ एक्सपेंडिचर होंगे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे। वेल्थ ऑडिटर मे चूज टू एनालाइज द मंथली ट्रेंड्स ऑफ एक्सपेंस लाइक रेंट, पावर, फ्यूल। ऑडिटर जनरली प्रीफर टू वाउच फॉर अदर एक्सपेंसिस टू वेरीफाई द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स दिए हैं वो चेक करने के लिए हम ऑडिट करते हैं, ये सारी चीजें हम वेरीफाई करते हैं, वाउच करते हैं। वेदर द एक्सपेंडिचर पर्टेन टू करंट पीरियड अंडर ऑडिट, जो पीरियड के लिए ऑडिट कर रहे हैं उसी पीरियड का वो एक्सपेंस है। वेदर द एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड एज रेवेन्यू एंड नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। देन वेदर द एक्सपेंडिचर हैड वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रैवल टिकट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड पार्टी इनवॉइस एटसेट्रा। वैलिड सपोर्टिंग है या नहीं वो हमें देखना होगा, ट्रैवल टिकट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड पार्टी इनवॉइस, जो भी एक्सपेंस है उस हिसाब से उसका कोई ना कोई सपोर्टिंग होगा, उसे हमें चेक करना होगा। वेदर एक्सपेंडिचर हैज बीन क्लासिफाइड अंडर करेक्ट एक्सपेंस हेड, उसका जो करेक्ट एक्सपेंस हेड है उसी के नीचे वो रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है या नहीं वो देखना है। एक्सपेंडिचर वॉज ऑथोराइज्ड एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स, जो पर्सन के पास अथॉरिटी है उसने ही वो ऑथोराइज किया है कि नहीं वो देखेंगे। Whether the expenditure was in relation to the entity's business and not personal expenditure, कोई भी expenditure, personal expenditure, business में record नहीं होना चाहिए, financial statement में कोई भी personal expenditure नहीं होना चाहिए, वो हमें देखना रहेगा। ये attributes है वो November 22 में तो पूछे ही थे, उसके पहले भी शायद एक बार पूछे हुए हैं, तो ऐसे question भी पूछते हैं। 4 marks में 4 points लिखने होते हैं, या 4 या 3 marks में पूछा था, तो जितने marks है उतने ही points लिखने होते हैं, और वो सच में मार्क्स देते भी, अगर आपने थोड़ा सा भी इसके रिलेवेंट लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप ये अच्छे से करके जाइएगा। राइट, चलिए अच्छे से, मतलब ये टॉपिक स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये पूरा ही चैप्टर आप अच्छे से करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है वो, आप इजीली याद रख सकते हैं। चलिए, तो वेरियस एक्सपेंसेस है उनका किस तरह से ऑडिट करेंगे, उसके सारे ही सेशंस एक साथ ही दिए हुए हैं। रिकॉर्डेड अदर एक्सपेंसेस वर एक्चुअली incurred during the period, occurrence, other expenses pertaining to the period have been recorded appropriately and there is no understatement or overstatement, that is completeness. Other expenses have been measured appropriately, measurement या accuracy. उसमें rent expense है, obtain a month wise expense schedule along with the rent agreement. Expense जो भी monthly हुआ है उसे rent agreement के साथ check करेंगे, rent agreement में rent कितना है वो सब कुछ mention किया होगा। Verify if expense has been recorded for all 12 months and whether the rent account, rent amount is as per the underlying agreements. सारे ही 12 months के लिए वो expense book हुआ है या नहीं वो check करेंगे। Specific consideration should be given to escalation clause in the agreement to verify if the rent was required to be recorded on a straight line basis during the period under audit. उसमें escalation clause किस तरह से वो समझना होगा और उसी तरह से book हुआ है या नहीं वो देखेंगे। Also verify if the agreement is in the name of the entity and whether the expense pertains to premise used for running business operation of the entity. ये देखना है कि rent agreement है वो entity के नाम पर ही है या नहीं, और जो premise के लिए ये rent agreement हुआ है वो actual में business के लिए use होती है या नहीं। Power and fuel expense. Obtain a month-wise expense schedule along with the power bills. Power के जो bills है, electricity वगैरह है, तो वो power के bills है, उसे हम expense schedule के साथ check करेंगे। Verify if expense has been recorded for all 12 months, सभी months के लिए record हुआ है या नहीं। Also compile a month-wise summary of power and units consumed and the applicable rate and check the arithmetical accuracy of the bills raised by the raised on monthly basis. Units कितने consume हुए हैं और rate क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम reasonability check कर सकते हैं कि वो bill बराबर है या नहीं। बट जनरली वो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जो एंटिटीज है वही पावर सेल करती है, तो उसमें एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है, तो जनरली ये चेक नहीं करते बट कर सकते हैं। इन रिलेशन टू द यूनिट्स कंज्यूम्ड, एनालाइज द मंथली पावर यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय लिंकिंग इट टू यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड इन्वेस्टिगेट रीजंस फॉर वेरियंस ऑन मंथली ट्रेंड्स। यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए उसका ट्रेंड एनालिसिस वगैरह कर सकेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे और उसमें जो वेरियंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं वो रीजंस फाइंड आउट करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑब्टेन ए समरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टेकन अलोंग विथ देयर वैलिडिटी पीरियड, इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करेंगे और उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है, उस हिसाब से प्रीपेड वगैरह जो एडजस्टमेंट करना होगा वो देखेंगे। वेरीफाई वेदर द एक्सपेंस हैज बीन करेक्टली क्लासिफाइड बिटवीन प्रीपेड एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ
days, right? Simple. Legal and professional expense, obtain a month wise and consultant wise summary. Month wise और consultant wise हम summary लेंगे कि professional expenses कहाँ कहाँ पर करते हैं. In case of a monthly retainership agreements, verify whether the expenditure for all 12 months have been recorded correctly. जहाँ पर मंथली रिटेनरशिप है कि एवरी मंथ वो लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर वो जो रिटेनरशिप है उनके लिए सारे ही मंथ्स के लिए रिकॉर्ड हुआ है या नहीं वो चेक करेंगे. फॉर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस सिलेक्ट अ सैंपल एंड वाउच फॉर द एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अबव. और जो नॉन रिकरिंग है कभी कभार हुए हैं उसके लिए जो एट्रीब्यूट्स हमने सबसे पहले डिस्कस किए उस वो सारी चीजें चेक करेंगे बिल्स के साथ. Auditor should be cautious while vouching for legal expenses as the same may highlight a dispute for which the entity may not have made any provision and the matter may also not have been discussed or highlighted to the auditor for his specific consideration. Legal professional expense में कई बार ऐसी चीजें पता चल सकती है कि जिसके लिए फीस पे की है बट वो जो डिस्प्यूट चल रहा है वो ऑडिटर को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और वो सारी चीजें हो सकता है कि डिस्क्लोज भी ना की हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नेसेसरी है फिर भी नहीं की है, तो ये सारी चीजें भी हमें पता चल सकती है. इसीलिए सिर्फ हमें वो एक्सपेंस का वाउचिंग नहीं करना है, ये भी चेक करना है कि ये एक्सपेंस है वो क्यों इनकर हुआ है, उसके पीछे के रीजन भी देखने हैं, राइट. उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी हम चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं. Travel, repair, maintenance, printing and stationery, miscellaneous expense, etc. The auditor should select a sample and vouch for the attributes discussed above. Wherever possible, the auditor should try to prepare a summary of expenditure on monthly basis and then analytically compare the trends. जो attributes हमने ऊपर देखे थे वो सारे हम चेक करेंगे और analytical procedure करने की भी try करेंगे. Monthly उनके जो expenses हैं उनकी summary बनाएंगे और उसका trend चेक करेंगे कि वो किस तरह से. Perform analytical procedure to obtain audit evidence as to overall reasonableness of other expense which may include expenditure per unit of production analysis. अगर कोई भी एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन पर यूनिट के हिसाब से अगर रिलेट कर रहे हैं तो वो भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं. Auditor should analyze expense per unit produced and compare the same with previous year and present industry trends and ask for the reasons from the management if any significant variations are found. तो उस प्रोडक्शन पर यूनिट वगैरह जो है उसको हम कंपेयर करेंगे विथ प्रीवियस ईयर इंडस्ट्री, राइट. और उसमें अगर वेरिएशंस है तो वो भी हम चेक करेंगे, राइट. और उसके डिस्क्लोजर में रेंट, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लीगल, प्रोफेशनल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवल एक्सपेंस, मिसेलेनियस एक्सपेंस, उस तरह से हम अलग अलग डिस्क्लोज करेंगे. सिंपल. चलिए देन यहाँ पर जो नोट्स दी गई है ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरियस डिस्क्लोजर्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करने नेसेसरी है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा सेक्शन 135, CSR करना कंपलसरी कुछ कंपनीज को. तो वो जो भी कंपनीज हैं उनको ये सारी चीजें यहाँ पर जो डिस्क्लोज की है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना कंपलसरी होगा. ये नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट होंगे. Where the company covered under section 135 of the Companies Act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities. Amount required to be spent by the company during the year. इस साल पे कितना अमाउंट स्पेंड करना था जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से 2% रिक्वायरमेंट है वो. अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्चुअल में कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर किया है. शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस है तो वो कितना है. टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, प्रीवियस ईयर में कितना शॉर्टफॉल था. रीजन फॉर शॉर्टफॉल, क्यों शॉर्टफॉल हुआ उसके रीजन बताने हैं. नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज, वो कौन सी CSR एक्टिविटीज में ये जो स्पेंड करते हैं. Details of related party transaction, for example, contribution to a trust controlled by a company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard. Related party disclosure भी करने हैं. Related parties को ही अगर ये CSR spend कर रहे हैं तो वो क्या है वो disclose करना होगा. Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movement in the provision during the year should be shown separately. अगर कोई contractual agreement है, ongoing projects वगैरह है तो वो सारी चीजें भी अलग से disclose करनी रहेगी. ये ऑलरेडी एक बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो बोल्ड में दिए गए डिस्क्लोजर काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, द फिगर्स अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी राउंडेड ऑफ एज गिवन बिलो. हमें जिस तरह से इनकम होगी कंपनी की उस हिसाब से उसे राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ मतलब ये नहीं कि डेसिमल में है तो उसे सिर्फ राउंड ऑफ करना है. हम जो भी करेंगे वो पूरे ही राउंड ऑफ कर देंगे ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ज्यादा रीडेबल हो, क्योंकि हम मटेरियल जो अमाउंट है उसी पर ध्यान देते हैं.
तो लेस देन 100 करोड़ रुपीस जिनकी टोटल इनकम के बेसिस पर है, वो खास याद रखना या करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। टोटल इनकम अगर लेस देन 100 करोड़ रुपीस है तो उनका राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड थाउजेंड लैक्स और मिलियंस और डेसिमल थेरऑफ, राइट। तो उसमें अगर कोई भी अमाउंट है तो उसको हम नियरेस्ट हंड्रेड थाउजेंड लैक्स या फिर मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उनकी इनकम है वो लेस देन 100 करोड़ रुपीस है और उनका उन्होंने सोचा है कि हम नियरेस्ट लैक्स में कन्वर्ट करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंडिचर है वो है 5,25,000, तो वो लोग नियरेस्ट लैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.25, ये राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। अगर थाउजेंड्स में होगा तो 525,000, राइट। तो इस तरह से ये राउंड ऑफ किया जाएगा, चलिए। और अगर 100 करोड़ रुपीज और मोर है अगर टोटल इनकम तो नियरेस्ट लैक्स मिलियंस और करोड़ और डेसिमल्स थेरऑफ में कन्वर्ट करना होगा। वंस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड इट शुड बी यूज्ड यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एक बार जो यूनिट डिसाइड किया वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी तरह से होगा। अगर आपने लेक्स में कन्वर्ट करना सोचा है तो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्स में, राइट, वो खास ध्यान रखना है। ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। देन डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, कोई भी प्रॉपर्टी है उसका एक्चुअल ओनर पता नहीं है तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में आ सकता है। उसका डिस्प्यूट्स वाला एक्ट है तो उसमें अगर कोई भी क्लेम वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा। वेर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ईयर ऑफ एक्विजिशन, प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स और कब उन्होंने एक्वायर किया वो, अमाउंट थेरऑफ, details of beneficiaries if property is in the books then reference to the items in the balance sheet mein agar wo dikhaya hua hai to wo kaun si item hai wo uska reference, if property is not in the books then the fact shall be stated in with reasons, agar wo books mein nahi dikhaya hai to wo kyun nahi dikhaya aur uske reasons, where there are any proceeding against the company under this law as an abettor of the transaction or as the transferor the details shall be provided, abettor matlab criminal crime jisne bhi kiya hai, राइट, तो उसकी भी अगर कोई डिटेल्स है, राइट, कोई भी क्लेम वगैरह प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, स्टेटस ऑफ सेम इन कंपनीज व्यू ऑन सेम, राइट, प्रोसीडिंग्स का नेचर किस तरह से, उसका स्टेटस क्या है और क्या लग रहा है कंपनी को कि क्या इसका वर्डिक्ट होगा वो डिस्क्लोज करना है। ये भी ऑलरेडी एक बार पूछा हुआ है। देन रिलेशनशिप विथ स्ट्रक ऑफ कंपनीज, जिस कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर में से हटा दिया गया है, स्ट्रक ऑफ कर दिया है, उसके साथ अगर जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उनकी कोई रिलेशन है तो यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाएगा। वेर द कंपनी हैज एनी ट्रांजैक्शन विद कंपनीज स्ट्रक ऑफ अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 और सेक्शन 560 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनी, जिस कंपनी का नाम स्ट्रक ऑफ हो गया है, नेम, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विद स्ट्रक ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन था, उन्होंने उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था हमने, रिसीवेबल्स या पेएबल्स है, शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, स्टॉक ऑफ कंपनी ने कोई शेयर्स हेल्ड किए थे जिस कंपनी का ऑडिट हम कर रहे हैं, या फिर अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस टू बी स्पेसिफाइड, बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग कितनी है और रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी क्या है इफ एनी टू बी डिस्क्लोज्ड, राइट। यहाँ पर नेम ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी, उनके साथ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, राइट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ कंपनी है या फिर रिसीवेबल पेएबल है या फिर स्टॉक ऑफ कंपनी ने शेयर्स लिए हुए हैं या फिर और कोई ट्रांजेक्शन है, तो वो उसकी बैलेंस कितनी है और रिलेशनशिप क्या है स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ अगर कोई है तो, राइट, वो डिस्क्लोज करना रहेगा। फिर फॉलोइंग रेशियोज आर टू बी डिस्क्लोज, यहाँ पर 11 रेशियोज है वो डिस्क्लोज करने हैं, करंट रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, नेट कैपिटल टर्नओवर, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये 11 रेशियोज है वो डिस्क्लोज करने कंपलसरी है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा वो ऑडिटर के ऊपर, मतलब जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर रहेगा, ऑडिटर को वो चेक करना है वो बराबर है या नहीं, बट वो भी चीज डिस्क्लोज करनी रहेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी है वो भी डिस्क्लोज करना रहेगा कि एक्चुअल में क्या लिया गया है, वो फॉर्मूला पहले तो डिस्क्लोज करनी है और उसके बाद कितना रेशियो आ रहा है वो भी डिस्क्लोज करना है, और वो प्रीवियस ईयर अगर 25% से ज्यादा वेरिएशन है तो उसके रीजंस भी डिस्क्लोज करने रहेंगे। द कंपनी शैल एक्सप्लेन द आइटम्स इंक्लूडेड इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर कंप्यूटिंग द अबोव रेशियोज, फर्दर एक्सप्लेनेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एनी चेंज इन द रेशियो बाय मोर देन 25% एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर,
सिंपल यहाँ पर 11 रेशियोस कौन सा है, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं दिया है, डिस्क्लोजर ये करना है ऐसा है, ये आपको पूछ सकते हैं। डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो ये भी डिस्क्लोज होगा। वेर कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड। प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, उसमें से क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी में कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसे डिस्क्लोज करेंगे। अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज एट द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट जो 31 मार्च है तब कितनी क्रिप्टो करेंसी हेल्ड की है वो दिखाना है। डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, डिपॉजिट्स या एडवांसेस है फ्रॉम एनी पर्सन तो उसे भी दिखाना रहेगा। ये नवंबर 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ये पूछा था तो फिर से पूछने के चांसेस थोड़े से कम है। चलिए चलिए, यहाँ तक का ये चैप्टर था जो हमने, मतलब आज का सेशन हम यहाँ तक रखेंगे जो चैप्टर में से करेंगे। असेट्स लायबिलिटीज का जो ऑडिट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़े से जो थियोरिटिकल क्वेश्चंस है पेज नंबर 9.105 पर आ जाइए, उसमें हम गुड्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू वाउच और वेरीफाई द फॉलोइंग, उसमें गुड्स सेंट आउट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा राइट, तो उसका ऑडिट हम किस तरह से करेंगे ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ये चैप्टर में नहीं दिया है, एक्सरसाइज में ही दिया है तो पूछ सकते हैं। तो 1A आपको पढ़ना रहेगा, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स दिया है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवरअप करेंगे। देन हाउ विल यू वाउच वेरीफाई द फॉलोइंग, उसमें है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट सीए फाउंडेशन में पढ़ा है तो उसका भी ऑडिट कैसे करेंगे वो भी आपको एक बार देखना है। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस, हमने जो अदर एक्सपेंसेस देखा ट्रैवल एक्सपेंस थोड़ा सा था तो वैसे ही पॉइंट्स इसमें भी आएंगे। रिसिप्ट ऑफ कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी मिली है उसका रिसिप्ट है, उसकी ऑडिट कैसे करेंगे। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो बाद में आपको, ये भी आपको पढ़ना रहेगा बट वो बाद में पढ़ना है जब हम प्रोविजन और कंटिन्जेंट लायबिलिटी का ऑडिट के बारे में डिस्कस कर ले उसके बाद। How will you vouch and verify the payment of taxes? ये आपको पढ़ना है, payment of taxes है वो किस तरह से करेंगे। फिर how will you vouch and verify the following? उसमें advertisement expense है वो भी पढ़ना है और sell of scrip भी पढ़ना है। Sell of scrip है वो May 23 में पूछा गया है। ये जो मैंने अभी टिक किए ये सारे questions chapter में नहीं है, exercise में ही दिए हैं और उसमें से भी पूछते हैं राइट, तो आपको ये पढ़ना रहेगा। इवन गुड्स ऑन कंसाइनमेंट है वो भी शायद एक बार पूछा हुआ है तो इसमें से questions आते रहते हैं तो आप ये पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो सारे क्वेश्चन है वो बाद में लास्ट में एक बार देख लीजिएगा राइट। तो इस सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट के एसर्शंस क्या थे, सेल्स, अदर इनकम, परचेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस को किस तरह से ऑडिट करेंगे और वेरियस डिस्क्लोजर्स देखे, वो डिस्क्लोजर्स में क्या क्या देखा, एक तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का, फिर सीएसआर एक्टिविटीज का, फिर राउंडिंग ऑफ इस तरह से करेंगे, बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में था, स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ कोई भी नेचर रिलेशन वगैरह है तो वो, रेशियोज का डिस्क्लोजर और वर्चुअल करेंसी का डिस्क्लोजर के बारे में देखा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे अपने आप राइट। उसमें कुछ भी डाउट हो या फिर पूरे ही चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी जो आइटम्स है फाइनेंस स्टेटमेंट की उसका ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिविजन वीडियोज। थैंक यू सो मच।